दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है इजी टी प्लानर। देखिए, इजी टी प्लानर के बारे में बात करूँ तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर कुछ दिनों से एक पॉजिटिव अपटर्न देखने को मिला है, और जिस तरीके से इस कंपनी के ऊपर पैटर्न क्रिएट हुआ था, बेसिकली दो अलग अलग पैटर्न क्रिएट हुआ, तो उस पैटर्न्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिस कारण के वजह से मैं इसके ऊपर स्विंग ट्रेडिंग लेके रखा हूँ। तो सबसे पहले वो पैटर्न्स आपके साथ शेयर करूँ, तो आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं कि इजी टी प्लानर के ऊपर यहाँ पे क्या बना था, शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना, और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी यहाँ पे मिला था। आप खुद ही यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे कन्फर्मेशन किया। कन्फर्मेशन करने के बाद देखिए कंपनी एक बार रिटेस्ट किया, जब भी नीचे लेवल को रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया। एंट्री होने के बाद और भी करेक्शन हो गया और धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी बेसिकली कंपनी के ऊपर यहाँ पे तो एक एंट्री है और दूसरा और एक एंट्री बना, वो किस तरीके से बना चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, आरएसआई जब 30 के नीचे आया था, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएसआई जो लगातार गिरावट के बाद यहाँ पे 30 के नीचे टच किया, और इसी रेंज में आरएसआई कहाँ तक आया था, 29.38 के आसपास। मतलब आरएसआई 30 के नीचे आया और इस रेंज में जब भी 30 के नीचे आया तब मैंने मार्किंग किया कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, और वो भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे। तो जब भी कोई स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बने और आरएसआई भी 30 के नीचे बने तो उस लेवल को मार्किंग करना, उस लेवल में मैं एंट्री लेता हूँ उसके क्लोजिंग प्राइस में, और उसके बाद यहाँ पे टारगेट कब बनेगा, जब आरएसआई यहाँ पे ऊपर जाकर 70 को ब्रेक करेगा। तो 70 को जब ब्रेक करेगा तब इसका टारगेट बनेगा। फिलहाल के लिए देखा जाए तो जब एंट्री बना था उस लेवल से करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 14% के आसपास रिटर्न कंपनी दे चुके हैं, और वो भी 40 दिनों में। इस तरीके से पैटर्न्स में बहुत शानदार तरीके से रिटर्न मिलता है। आप इस पैटर्न्स को जरूर वॉच करिए, बैक टेस्टिंग करिए, आपको बहुत कुछ इस पैटर्न्स के माध्यम से मिल सकता है। तो देखिए सर, कंपनी के कोई पैटर्न्स बन रहा है कि इसके ऊपर ट्रेड लेना है, ऐसे बिल्कुल नहीं। पहले कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखना है, क्या बहुत सही तरीके से काम कर रहा है। अगर बेसिकली देखा है तो कंपनी के सेल्स में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिला, कंटिन्यूसली सेल्स बढ़े, एक्सपेंस को कंट्रोल रखे और नेट प्रॉफिट भी हाइस्ट देखने को मिला। जब कोई कंपनी इतने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसमें ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, और नेक्स्ट जो क्वार्टर आने वाला है वहाँ पे भी कंपनी का हाइस्ट प्रॉफिट जनरेट होने का चांसेस है। आप खुद ही देख सकते हैं एक बेस तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन हो रहा है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे बढ़ने का दम है, आगे बढ़ने के पोटेंशियल बहुत हाई है, इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, चाहे वो FIS हो, चाहे वो DIS हो एंड चाहे वो पब्लिक हो और चाहे वो प्रोमोटर हो, हर किसी व्यक्ति को आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बेसिस में देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और एक लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं न्यू न्यू स्टॉक के बारे में चर्चा करने के लिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वोडाफोन आइडिया। देखिए, वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है कि सर वोडाफोन क्या फिर से खड़ा हो सकते हैं, मतलब जिस लेवल में पहले था क्या उस लेवल में जा सकते हैं। पहले बता दूँ कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम्स कहाँ पे है। प्रॉब्लम कंपनी के ऊपर मेन दिक्कत यही पे है कि कंपनी बिग लॉसेस में है। दूसरा सबसे बड़ा कंपनी के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो है कंपनी का डेप्थ। देखिए, कंपनी का मार्केट कैप 65,000 करोड़ और कंपनी डेप ले कर्जा लेकर रखा 2,40,000 करोड़। तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी प्रेशर में है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कंपनी के बैलेंस शीट दिखा दूँ तो कंपनी के जो बोरिंग्स है वो एक टाइम 26,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था। अभी मतलब एटलीस्ट 10 साल पीछे चले जाएंगे तो 26 से 30 हज़ार करोड़ के आसपास हुआ करता था कर्जा, आज वो बढ़ के हो चुके 2,40,000 करोड़ के आसपास, और हर साल कंपनी का कर्जा बढ़ते चले जा रहा है। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी खुद के रिजर्व को क्या किया, पूरा के पूरा बेच दिया।
मतलब कंपनी के हाथ में है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। मान लेता हूँ कंपनी के हाथ में फिक्स्ड एसेट है, तो जो फिक्स्ड एसेट है उसको अगर बेचा जाए तो भी कंपनी कर्जा नहीं मिटा पाएंगे। इस बात को याद रखना है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं कभी काम नहीं करता हूँ। हाँ, कोई भी ट्रेडिंग पर्पस में अगर कोई सिचुएशन बने तो मैं जरूर सोचता हूँ। फिर भी मैंने एक बार शायद इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया था, फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं है। क्योंकि बेसिकली देखा है तो इस कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है उस बिजनेस के हिसाब से कंपनी के मार्केट शेयर अगर बात करूँ तो कंपनी ब्रॉडबैंड कनेक्शन के ऊपर 13% और मोबाइल सब्सक्राइबर के ऊपर 19% मार्केट शेयर लेके रखा है। क्योंकि बाकी तो एयरटेल और जियो ही लेके चले गए, तो इसलिए वोडाफोन को नहीं मिला। फिर भी गवर्नमेंट इसको बचाने के लिए ही इस कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता तो इस कंपनी कब का डूब जाते। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं आपको कैसे पता चलेगा? आप इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के पास ही 32% होल्डिंग है। तो गवर्नमेंट के पास 32% होल्डिंग क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास से जो कंपनी ने लोन लिया था, कंपनी को यही बताया कि आपको लोन के बदले आपका इक्विटी देना पड़ेगा। तो देखिए, पहले प्रोमोटर के पास 74% होल्डिंग था, वो घट के 50% के आसपास आ चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन तो उतना ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं किया, मगर यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, इस कंपनी को अच्छा खासा एडिंग किया। तो इसका मतलब ये नहीं सोचिए कि कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट है तो चलो इसके ऊपर बाय किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे फंस चुके हैं तो इसीलिए वो इक्विटी लेकर रखा है। तो बेसिकली इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पढ़ने के हिसाब से बात करूँ तो फाइनली यहाँ पे एक जो रेंज बना था उस रेंज का टारगेट बन चुका है। रेंज का मतलब क्या है? देखिए, कंटिन्यूसली एक बाइंग रेंज बना। कंटिन्यूसली बाइंग रेंज का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल होना चाहिए, बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं होना चाहिए। तो कंटिन्यूसली जब ग्रीन कैंडल बने तब इसका एंटी कब बनेगा? तो लोअर साइड एंड अपर साइड को मार्किंग कर लेना। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब एंटी बनेगा और ऊपर लेवल में यहाँ पे टारगेट बनेगा। तो फाइनली देखिए, एंटी तो यहाँ पे बना और बहुत टाइम इंतजार कराया, मतलब अराउंड 700 डेज। तो 700 डेज का मतलब होते हैं अराउंड 1 साल, एक साल दो दो मंथ के आसपास। तो इतने टाइम के बाद कंपनी फाइनल क्या किया, यहाँ पे टारगेट अचीव किया। देखिए, 1 साल में भी कंपनी कोई रिटर्न तो कम नहीं दिया, 1 साल में भी कंपनी 47% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया। तो एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन बना था। अभी इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं है, जब कोई ट्रेड बनेगा मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए, आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी बेसिकली देखा जाए तो रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है और कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता है। तो आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। बेसिकली कंपनी बेस्ट तरीके से यहाँ पे इस सिचुएशन के ऊपर काम काम कर रहा है और मार्केट कैप को वाइज 22,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। ROE बेस्ट देखने को मिलेगा। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनीज के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी लगातार बढ़ते चले गए। क्योंकि कंपनी के सेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का हर टाइम कंपनी के सेल्स पॉजिटिव में देखने को मिला है। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे भी ग्रोथ दिखा, जैसे 102 करोड़ से 136 करोड़ बना, 190 करोड़ बना और 245 करोड़ के आसपास बना। मतलब बेस्ट तरीके से एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। अभी समझदारी बात क्या है कंपनी के ऊपर, अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए, प्रोमोटर के बाद FIs ने कुछ क्वांटिटी ऐड किया। जो पहले FIs के पास 2% होल्डिंग था वो आज 4.5% तक लेके गए और DS के पास जो होल्डिंग ना के बराबर था आज वो 1.31% के आसपास लेके गए हैं। तो इंस्टीट्यूशन ने अच्छा खासा होल्डिंग कंटिन्यू करा। बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है कंपनी का बैलेंस शीट। तो कंपनी के बैलेंस शीट में देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। जो कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है तो सोचिए उस कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। और खुद का जो इक्विटी कैपिटल है जो 10 करोड़ के आसपास था, वो इक्विटी कैपिटल भी बढ़ चुके हैं, 188 करोड़ बन चुके हैं। और कंपनी का कर्जा उतना भी ज़्यादा नहीं है जो कंपनी का रिजर्व है, रिजर्व से कई गुना कम कंपनी का कर्जा भी है। तो बेसिकली कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, ऐसे नहीं कि खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। तो सब कुछ सामने रखते हुए कंपनी के जो चार्ट पैटर्न बना उसके बारे में चर्चा करूं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। देखिए, कंपनी के ऊपर लगातार एक पैटर्न स्केड हो रहा था, एक सोलर का पूरी ध्यान पैटर्न बना,
फाइनली ब्रेक करने के बाद कंपनी शानदार तरीके से टारगेट दिया। फिर से देखिए एक पैटर्न स्केड हो रहा है, कुछ इस तरीके से पैटर्न स्केड हो जा रहा है। तो इस तरीके से पैटर्न्स का मतलब है कि यहाँ पे एक कप बनेगा और उसके बाद अगर हैंडल पैटर्न केड हो तो एक बड़ा धमाका देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो रेंज है कप का रेंज, इस रेंज को मैं मार्किंग करूँ और इसको अगर ऊपर बिठा दूँ तो एक बड़ा सा टारगेट यहाँ पे मिलने का चांसेस है। टारगेट निकल कर रहा है करीबन 35% के आसपास। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जीएम बोरियस लिमिटेड। देखिए जीएम बोरियस लिमिटेड जो है वो एक छोटा सा कंपनी है 1300 करोड़ के आसपास, और इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ये एक हाई रिस्क सी कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं इसीलिए डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी जल्द से जल्द आपको फिर से एक बार बोनस देने का अनाउंसमेंट करेंगे, और वो भी 1:4 रेशियो का। और कंपनी ये बता रहा है कि मई मंथ के आसपास कंपनी फिर से आपको बोनस देने वाला है। जो लोग बोनस के शौकीन है तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो सारे वीडियोस एडुकेशन पर्पस में था, मैं कोई सेबी रजिस्टर पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। अगर आपको काम करना है तो सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।